हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ पर देख सकते हैं घर पर आकर सीधा नया ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। स्टेशन पर ही मैंने लास्ट ब्लॉग शेयर किया था आप लोगों के साथ और घर पर आकर नया ब्लॉग शुरू कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं चाचू कैमरा मतलब फोटो खींच फोटो क्लिक कर रही, बोल के सोचा उन्होंने, लेकिन कैमरा वीडियो कर रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्रेस चेंज करके सीधा मैं आप लोगों के साथ घर दिखाने आई हूँ। गाइस, अभी बनना बाकी है घर, मतलब अभी आधा से ज़्यादा हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत बाकी है। और ये रहा चप्पल गंजू। तो ये पीछे का साइड है और ये किचन। अभी आके जस्ट नया ब्लॉग शुरू कर दिया आप लोगों के साथ फटाफट से, क्योंकि मुझे भी घर देखने में बेचैनी था। जितना भी हो मायका का घर तो खुद का ही होता है, तो वही आने के बाद भाई से झगड़ा कर रही थी कि तुम निकलो, अभी मैं आ गई हूँ। बस यही बुरा लग रहा है कि पापा का बहुत बड़ा ड्रीम था उसका घर, बस अब वही नहीं है तो उसका घर कम्प्लीट होने जा रहा है। कुछ नहीं, घर में पापा है वो भी यही मन में बिठाना पड़ेगा। चलिए बिना वक्त किए बाद में मिलती हूँ, क्या करती हूँ, अभी शायद चाय पियेंगे, ये तो खाना डायरेक्ट खाना का टाइम है, आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो बाद में मिलते हैं। खाना निकाल दिया मैंने यहाँ पर और मेरा खाना, मेरा पेट पूजा करने का बारी है। अब यहाँ से मेरा हसबैंड पेट सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आएगा आप लोगों, क्योंकि वहाँ पर टाइल्स का काम चल रहा है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ इसलिए आएगा। और मेरा हसबैंड अभी निकल जाएंगे 3 बजे, फिर से शताब्दी ट्रेन है जिससे हम लोग आए थे उसी का ट्रेन है। काफ़ी आज क्या क्या खींचा भी सर। तो यहाँ देख सकते हैं मिठाई से स्टार्ट करी हूँ ब्लॉग, मतलब खाने का आइटम। तो यहाँ पर इन्होंने लाया हुआ मिठाई, तो अभी मैं उनके लिए खाना सर्व कर रही थी क्योंकि उनका ट्रेन का टाइम है वापस, क्योंकि वो मुझे बस छोड़ने आए थे और आज से मेरा पूरा आज़ादी। तो यहाँ पर मतलब मम्मी पूजा कर रही थी इसलिए मैंने देने के लिए आ गई थी, और काकी शायद कुछ काम कर रही थी, लेकिन अभी मम्मी पूजा दे के आ गई है तो अभी वही सबको खाना वाना देगी। और मैं वहाँ पर जाकर मेरे हस्बैंड को बोल रही थी आप मिठाई नहीं खाने से मुझे दे दीजिएगा बोल के, क्योंकि मोरियानी का रसगुल्ला इतना टेस्टी है ना कि क्या बताओ। अगर आप लोग कोई भी मोरियानी से ब्लॉग देखते तो ज़रूर कमेंट में बताएगा कि सच है कि नहीं बोल के। अगर आप लोग नए हैं तो मोरियानी पर कभी आएंगे तो ज़रूर रसगुल्ला ट्राई कीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे भी रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो मैं वही मांग रही थी बार बार, आप रसगुल्ला मत खाइए बोल के, उनको देकर भी उनसे मांग रही थी मैं, तो लास्ट में उन्होंने और दे दिया था मुझे। और यहाँ पर देख सकते हैं घर का मतलब भैया का बेटी है ये, यहाँ आने से खुद को छोटा छोटा फील होता है, नहीं तो ससुराल साइड में रहने से सबको मतलब काकी मामी वह सब बना देता है, लेकिन यहाँ पर आने से जैसे दीदी उस टाइप में मतलब छोटा छोटा फील लग आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी सबको बैठ चुका है खाना खाने के लिए, अभी मैं भी बैठ जाऊँगी खाना खाने के लिए ये लोग उठ जाने के बाद। यहाँ देख सकते हैं बैठ गई हूँ लेकिन मेरा थाली ये नहीं है, यहाँ पर भाई बैठा था तब उसका थाली साइड करके मम्मी थाली देगा अभी मुझे भी खाना खाने के लिए। बहुत भूख लगा था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था मैंने, बस वो ट्रेन पर जो पकौड़ी ना क्या बोलता है वही खाया था। तो आज आइटम में था पनीर का सब्जी, बंदा गोभी का सब्जी, दाल और सलाद, बस यही था क्योंकि वेज था। तो गाइस अब खाना खा लिया और यहाँ पे देख सकते हैं सामने घर की बेटी है, मतलब मैं इसका बुआ लगूंगी। तो अभी बज रहे शाम की शायद, हाँ 2 बज रहे अभी, और 1 घंटा है हस्बैंड चले जाएंगे, उसके बाद क्या क्या मस्ती दिखाते रहूँ। और थोड़ा बहुत टूर आप लोगों को दिखा दिया, कंप्लीट होने के बाद शायद फिर से दिखाऊंगी, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। और यहाँ पर अभी देख सकते हैं वेल्डिंग का काम हो रहा है और घर का हर एक पार्ट में आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करती रहूँगी, क्योंकि और ये मेमोरी भी रह जाएगा मेरा, क्योंकि अच्छा लगता है। और ये देखिए टुक टुकी हाथ से क्यों देख, वीडियो ओ आज के ऐसे भला सर।
तो अभी देखते देखते उनका भी टाइम आ गया जाने का, मतलब घर जा डिपो वापस जाने का। वहाँ पर वो चले गए थे और भी एक घंटा दो घंटे के मतलब शाम होने टाइम में चटपटा लेके आया था भाई, मतलब हम लोग घर पर से गया, वो गरम गरम चटपटा बनाता है, मतलब सेल करता है वो लोग। तो यहाँ पर यहाँ से लेने से ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में दिया देते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को, आप लोग क्या बोलते ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देख सकते हैं स्नैक्स खत्म ही नहीं हुआ कि ये दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, और चाचू स्टेचू बन के देख रहे थे मेरे तरफ कि मैं क्या कर रही हूँ बोल के कैमरा उठाकर। ये देखिए, और एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए मेरे सिस्टर ने बनाया मेरा भाई का ड्राइंग, वो बिना सीखे उसने इतना अच्छा बनाया कि क्या बताए, बहुत अच्छा ड्रॉ करती है। और एक भी चीज़ शेयर करना है आप लोगों के साथ, वो कभी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं अभी शाम का चाय आ गया, चाय नाश्ता, तो वही जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे स्वीट्स, वही और चना शायद घर का ही था। हाँ घर का ही था, तभी हम लोग सब मिलके एक साथ खा रहे थे। अच्छा लगता है बहुत दिन के बाद टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली के साथ। तो गाइस अभी मैं रात का कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, एकदम थक गई थी, तो नेक्स्ट डे का ब्लॉग आप लोगों के साथ डायरेक्ट शेयर करती हूँ अभी। हे गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज अभी बज रहा है सुबह के 10:30 से ब्लॉग लेकर आई, क्योंकि सुबह से उठ के थोड़ा सा लेट हो गई थी एक्चुअली। और अभी हम लोगों का घर आधा मतलब जो किचन का जो टाइल्स है वो कंप्लीट हो चुका है, और अभी मैं खाना बना रही थी उधर में, मतलब देरी हो रहा है मुझे खाना बना रही थी, आपको दिखाती हूँ एक मिनट। तो ये देख सकते हैं, चलो चलते हैं अंदर। कॉल भी उल्टा पुल्टा लगता है यहाँ पर। सीसी कैमरा देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है काम आधा से ज्यादा, सफाई सीमेंट यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर नहीं है, मतलब पूरा एकदम क्लीन करके देंगे वो लोग। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है कलेक्शन टाइल्स का, और फिर दिखाऊंगी पूरा लुक बाद में भी, अभी बहुत जाके देखिए ऊपर का। ये काकी का घर, ये हम लोग का घर, और ये हम लोग का मिस्त्री भी कैमरा दे आसे ना नहीं फोटो ना तो कैमरा काकी भी काकी पर्दा के पीछे चुप ईश्राम ये तो दुख मैं खाना भी बना रही उधर बीच बीच में देख रहा तो खाने का क्या हालत है। 10 बार चप्पल चेंज करो, एक बार उधर चप्पल चेंज करो, एक बार इधर चप्पल चेंज करो। तो यहाँ देख सकते हो अभी दाल भी ठहरा था जस्ट मैंने, और यहाँ पर क्या बोलते हैं इसे ड्राई फिश का चटनी बनाया, पूरा तीखा डाल के इसको बनाया। और कुछ अभी नहीं है फिलहाल दिखाने के लिए, क्योंकि नहाना वहाना ऑलरेडी हो गया है, और खाना खाने टाइम में दिखाऊंगी, उसके बाद क्या करती हूँ नहीं करती हूँ सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सलाद और दाल के लिए टमाटर और धनिया पत्ता काटने आ गई हूँ, क्योंकि खाना मैं बना रही थी, तो थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ, और आज आइटम में क्या क्या बनाया वो भी दिखाऊंगी।
तो यहाँ पर अभी दाल तड़का लगाने आ गई है सबसे पहले, तो प्याज और टमाटर और धनिया पत्ता डाल के दाल बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सर्दी का दिन में ये दाल मुझे भी। यहाँ देख सकते हैं चौक लग गया अभी, अभी पूरा किचन मैंने साफ कर लिया यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर मेरा दाल बनना कंप्लीट, धनिया पत्ता और टमाटर डाल के बना दिया प्याज चौक लगाकर, लेकिन इतना अच्छा खुशबू रहा है कि अभी भूख लग रहा है। खाने के टाइम में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, एक बार खाने के टाइम में आप लोगों से मिलती हूँ, बाय बाय। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर थाली निकाल दिया मेरा खाने का, तो और मैं दिखाती हूँ कितना पुराना थाली में मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पर चटनी साग और दाल सलाद नहीं लिया था, बस ले लूँगी बाद में, लेकिन ये थाली है 1960 का कुछ ऐसा थाली है, बहुत ही ओल्ड है ये। तो चलिए गैसेस भी साफ हो गया और हम लोग का खाना वाना कम्प्लीट, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग पर। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे ब्लॉग और घर का अपडेट देखते होंगे आप लोगों के साथ।